वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें जेम्स 3 चैप्टर 14 से लेकर 4th चैप्टर में जाना है, 1 to 12 verses तक, और एजेकियल 22 चैप्टर 23 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में याकूब की पत्री 3:14 से पढ़ना शुरू करेंगे, 4th अध्याय में जाकर 1 वचन से 12 वचन तक पूरा करेंगे, और फिर वहाँ से आगे यहेजकेल की भविष्यवाणी में जाएंगे, 22 अध्याय और 23 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। हम इंग्लिश में यही अध्यायों को, वचनों को किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, और फिर इन्हीं को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जेम्स 3:14 में से पढ़ेंगे, आगे जाएंगे वहां से। वॉट डूएथ इट प्रॉफिट, वन सेकेंड, जेम्स चैप्टर थर्ड, जेम्स का 3:14 से आगे पढ़ेंगे, और 4th चैप्टर में जाना है, फिर 12th वर्स तक 4th चैप्टर में से पढ़ते हुए जाएंगे। कंटिन्यू, बट इफ ये हैव बिटर एनवेइंग एंड स्ट्राइफ इन योर हार्ट्स, ग्लोरी नॉट एंड लाई नॉट अगेंस्ट द ट्रुथ। दिस विजडम डिसेंडेथ नॉट फ्रॉम अबाव, बट इज अर्थली सेंशुअल डेविलिश। फॉर वियर एनवेइंग एंड स्ट्राइफ इज, देयर इज कन्फ्यूशन एंड एवरी ईवल वर्क। But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. 4th chapter, our end lusts cause contentions, our evil lust causes contentions, how we may overcome them and gain God's favor. First verse se padhenge 4th chapter ke. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lusts that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil one of the other, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver,
who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? याकूब की पत्री तीसरा अध्याय 14 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे, चौथे अध्याय के 1 वचन से लेकर 12 वचन तक पूरा पढ़ेंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। संसार से मित्रता, चौथे अध्याय का पहले वचन से, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दोनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रोओ, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। भाइयों पर दोष लगाना, 11 वचन, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तो व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हकीम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? Ezekiel 22nd chapter. Sins of the Jews. Their dispersion. First verse से पढ़ेंगे। Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Now, thou son of man, wilt thou judge the bloody city? Yea, thou shalt shave her
all her abominations. Then say thou, thus saith the Lord God, the city sheddeth blood in the midst of it, and that her time may come, and maketh idols against herself to defile herself. Thou art become guilty in thy blood that thou hast shed, and hast defiled thyself in thy idols, in thine idols, which thou hast made, and thou hast caused thy days to draw near, and art come even in unto thy ears. Therefore have I made thee a reproach unto the heathen, and a mocking to all countries, those that be near and those that be far from thee shall mock thee, which art infamous and much vexed. Behold, the princes of Israel, every one were in thee to their power to shed blood. In thee have they set light by father and mother. In the midst of thee have they dealt by oppression with the stranger in thee. Have they vexed the fatherless and the widow? Thou hast despised mine holy things, and hast profaned my Sabbaths. In thee are men that carry tales to shed blood, and in thee they eat upon the mountains. In the midst of thee they commit lewdness. In thee have they discovered their father's nakedness. In thee have they humbled her that was set apart for pollution. And one hath committed abomination with his neighbor's wife, and another hath lewdly defiled his daughter-in-law, and another in thee hath humbled his sister, his father's daughter. In thee have they taken gifts to shed blood. Thou hast taken usury and increase, and thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion, and hast forgotten me, saith the Lord God. Behold, therefore I have smitten mine hand at thy dishonest gain which thou hast made, and at thy blood which hath been in the midst of thee. Can thine heart endure, or can thine hands be strong in the days that I shall deal with thee? I, the Lord, have spoken it, and will do it. And I will scatter thee among the heathen, and disperse thee in the countries, and will consume thy filthiness out of thee. And thou shalt take thine inheritance in thyself in the sight of the heathen, and thou shalt know that I am the Lord. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, the house of Israel is to me become dross. All they are brass and tin and iron and lead in the midst of the furnace. They are even the dross of silver. Therefore thus saith the Lord God, because ye are all become dross, behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem. As they gather silver and brass and iron and lead and tin into the midst of the fire furnace to blow the fire upon it, to melt it, so will I gather you in mine anger and in my fury. And I will leave you there and melt you. Yea, I will gather you and blow upon you in the fire of my wrath, and ye shall be melted in the midst thereof. As silver is melted in the midst of the furnace, so shall ye be melted in the midst thereof, and ye shall know that I, the Lord, have poured out my fury upon you.
And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, say unto her, Thou art the land that is not cleansed, nor ruined upon in the day of indignation. There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion, ravaging the prey. They have devoured souls, they have taken the treasures and precious things. They have made her many widows in the midst thereof. Her priests have violated my law and have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and profane, neither have they showed difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Her princes in the midst thereof are like wolves ravening the prey, to shed blood and to destroy souls, to get dishonest gain. And her prophets have daubed them with untempered mortar, seeing vanity and divining lies unto them, saying, Thus saith the Lord God, when the Lord hath not spoken. The people of the land have used oppression and exercised robbery, and have vexed the poor and needy. Yet they have oppressed the stranger wrongfully. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore have I poured out mine indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their own way have I recompensed upon their heads, saith the Lord God. Chapter 23. Wardoms of Ahulah and Aholibah. The word of the Lord came again unto me, saying, first verse se padh rahe, Son of man, there were two women and the daughters of one mother, and they committed whoredoms in Egypt. They committed whoredoms in their youth. There were their breasts pressed, and there they bruised the tits of their virginity. And the names of them were Aholah, the elder, and Aholibah, her sister, and they were mine, and they bare sons and daughters. Thus were their names Samaria, Ahlah, and Jerusalem, Aholibah. And Aholah played the harlot when she was mine, and she doted on her lovers, on the Assyrians, her neighbors, which were clothed with blue, captains and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding upon horses. Thus she committed her whoredoms with them, with all them that were the chosen men of Assyria, and with all on whom she doted, with all their idols she defiled herself. Neither left she her whoredoms brought from Egypt, for in her youth they lay with her, and they bruised the breasts of her virginity, and poured their whoredom upon her. Wherefore I have delivered her into the hand of her lovers, into the hand of the Assyrians, upon whom she doted. This discovered her nakedness. They took her sons and her daughters, and slew her with the sword. And she became famous among women, for they had executed judgment upon her. And when her sister Aholibah saw this, she was more corrupt in her inordinate love than she, and in her whoredoms more than her sister in her whoredoms. She doted upon the Assyrians, her neighbors, captains and rulers, clothed most gorgeously, horsemen riding upon horses, all of them desirable young men. Then I saw that she was defiled, that they took both one way, and that she increased her whoredoms. For when she saw men portrayed upon the wall,
The images of the Chaldeans portrayed with vermilion, girded with girdles upon their loins, exceeding in dyed attire upon their heads, all of them princes to look to, after the manner of the Babylonians, of Chaldea, the land of their nativity. And as soon as she saw them with her eyes, she doted upon them and sent messengers unto them into Chaldea. And the Babylonians came to her into the bed of love, and they defiled her with their whoredom, and she was polluted with them, and her mind was alienated from them. So she discovered her whoredoms and discovered her nakedness. Then my mind was alienated from her, like as my mind was alienated from her sister. Yet she multiplied her whoredoms in calling to remembrance the days of her youth, wherein she had played the harlot in the land of Egypt. For she doted upon their paramours, whose flesh is as the flesh of asses, and whose issue is like the issue of horses. Thus thou callest to remembrance the lewdness of thy youth, in bruising thy tits by the Egyptians for the paps of thy youth. Therefore, O Aholibah, thus saith the Lord God, behold, I will raise up thy lovers against thee, from whom thy mind is alienated, and I will bring them against thee on every side, the Babylonians and all the Chaldeans, Pekod and Shua and Koa, and all the Assyrians with them, all of them desirable young men, captains and rulers, great lords and renowned, all of them riding upon horses. And they shall come against thee with chariots, wagons and wheels, and with an assembly of people, which shall set against thee buckler and shield and helmet round about. And I will set judgment before them, and they shall judge thee according to their judgments. And I will set my jealousy against thee, and they shall deal furiously with thee. They shall take away thy nose and thine ears, and thy remnant shall fall by the sword. They shall take thy sons and thy daughters, and thy residue shall be devoured by the fire. They shall also strip thee out of thy clothes and take away thy fair jewels. Thus will I make thy lewdness to cease from thee, and thy whoredom brought from the land of Egypt, so that thou shalt not lift up thine eyes unto them, nor remember Egypt any more. For thus saith the Lord God, behold, I will deliver thee into the hand of them whom thou hatest, into the hand of them from whom thy mind is alienated, and they shall deal with thee hatefully, and shall take away all thy labor, and shall leave thee naked and bare, and the nakedness of thy whoredoms shall be discovered, both thy lewdness and thy whoredoms. I will do these things unto thee, because thou hast gone a warring after the heathen, and because thou art polluted with their idols. Thou hast walked in the way of thy sister, therefore will I give her cup into thine hand. Thus saith the Lord God, thou shalt drink of thy sister's cup, deep and large. Thou shalt be laughed to scorn and had in derision, it containeth much. Thou shalt be filled with drunkenness and sorrow, with the cup of astonishment and desolation, with the cup of thy sister Samaria. Thou shalt even drink it and suck it out, and thou shalt break the swords thereof and pluck off thine own breasts, for I have spoken it, saith the Lord God. Therefore thus saith the Lord God, because thou hast forgotten me, and cast me behind thy back, therefore bear thou also thy lewdness and thy whoredoms. The Lord said moreover unto me,
Son of man, wilt thou judge Ahola and Aholibah? Yea, declare unto them their abominations, that they have committed adultery, and blood is in their hands, and with them idols have they committed adultery, and have also caused their sons, whom they bear unto me, to pass for them through the fire, to devour them. Moreover, this they have done unto me. They have defiled my sanctuary in the same day, and have profaned my Sabbaths. For when they had slain their children to their idols, then they came the same day into my sanctuary to profane it. And lo, thus have they done in the midst of mine house. And furthermore, that ye have sent for men to come from far, unto whom a messenger was sent. And lo, they came for whom thou didst wash thyself, paintest thy eyes, and deckest thyself with ornaments, and sattest upon a stately bed, and table prepared before it, whereupon thou hast set mine incense and mine oil. And a voice of a multitude being at ease was with her, and with the men of the common sort were brought. Sabians from the wilderness, which put bracelets upon their hands, and beautiful crowns upon their heads. Then said I unto her that was old in adulteries, will they now commit whoredoms with her, and she with them? Yet they went it unto her, as they go in unto a woman that playeth the harlot, so went they in unto Ahola and unto Aholibah, the lewd woman. And the righteous men, they shall judge them after the manner of adulteresses, and after the manner of women that shed blood. Because they are adulteresses, the blood is in their hands. For thus saith the Lord God, I will bring up a company upon them, and will give them to be removed and spoiled. And the company shall stone them with stones, and dispatch them with their swords. They shall slay their sons and their daughters, and burn up their houses with fire. Thus will I cause lewdness to cease out of the land, that all women may be taught not to do after your lewdness, and they shall recompense your lewdness upon you, and ye shall bear the sins of your idols, and ye shall know that I am the Lord God. यहेजकेल की भविष्यवाणी 22 अध्याय और 23 अध्याय. पहले 22 अध्याय पढ़ेंगे हिंदी में बीएसआई बाइबल में से. हत्यारा नगर यरूशलेम. पहले वचन से यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है. जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरे, और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है. तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया, और अपने पिछले वर्षों तक पहुँच गई है. इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नाम धराई का और सब देशों के ठट्टे का कारण कर दिया है. हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट जो दूर है, वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे. देख, इसराइल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं. तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं. तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया, और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई है. तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना,
और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उघाड़ी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से ही भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है और किसी ने अपनी बहिन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नष्ट करूंगा। तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर की क्रोधाग्नि। 17 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इसराइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सबके सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए हैं। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। उन्नीस वचन से आगे पढ़ेंगे, इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यों कहता है, इसलिए कि तुम सबके सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी पीतल लोहा सीसा और रांगा इसीलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। इसराइल के अगुओं के पाप। 23 वचन से आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध और अशुद्ध का भेद सिखाया है और वे मेरे विश्राम दिन के विषय से निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों कहता है, देश के साधारण लोग भी
अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनसे ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग उन्हें भस्म कर दिया है, आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। दो व्यभिचारिणी बहिने 23 अध्याय पहले वचन से यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, दो स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियां कुवारपन में पहले वहां मीजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहन का नाम ओहोलीबा था। वे मेरी ही गई हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके नामों के अनुसार ओहोला तो शमरोन और ओहोलीबा यरूशलेम है। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी अश्शूरी थे। वे तो सबके सब नीले वस्त्र पहनने वाले मन भावने जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे। इसलिए उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया जो सबके सब सर्वोत्तम अश्शूरी थे, और जिस किसी पर वह मोहित हुई उसी की मूर्तों से वह अशुद्ध हुई। जो व्यभिचार उसने मिस्र में सीखा था उसको भी उसने न छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियां मिंजी और तन मन से उसके साथ व्यभिचार किया गया था। इस कारण मैंने उसको उन्हीं अश्शूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी। उन्होंने उसको नंगी किया, उसके पुत्र पुत्रियां छीन कर उसको तलवार से घात किया। इस प्रकार उनके हाथ से दंड पाकर वह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई। उसकी बहन ओहोलीबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई। वह अपने अश्शूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सबके सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और सब प्रकार के प्रधान थे। तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई। उन दोनों बहनों की एक ही चाल थी, परंतु ओहोलीबा अधिक व्यभिचार करती गई। अतः जब उसने दीवार पर सिंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के चित्र देखे जो कटी में फेंटे बांधे हुए, सिर में छोर लटकती हुई है, रंगीली पंगड़ियां पहने हुए और सबके सब अपनी कसदी जन्मभूमि अर्थात बेबीलोन के लोगों के प्रति पर लोगों के रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे, तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियों के देश में दूत भेजे। इसलिए बेबीलोन के लोग उसके पास पलंग पर आए और उसके साथ व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया, और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई तब उसका मन उनसे फिर गया। तो भी जब वह तन उघाड़ती और व्यभिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था वैसे ही उससे भी फिर गया। इस पर भी वह मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वह वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई जिनका अंग गधों का सा और वीर या घोड़ों का सा था, तो इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मींजते थे। छोटी बहन को परमेश्वर का दंड 22 वचन से आगे। इस कारण हे ओहोलीबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यों कहता है, देख मैं तेरे मित्रों को उभार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात
बेबीलोन वासियों और सब कसदियों को और पकोद जो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब अश्शूरियों को लाऊंगा, जो सब के सब घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि प्रधान और नामी पुरुष है। वे लोग हथियार रथ छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियमों के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। मैं तुझ पर जलूंगा जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझ से बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे। और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा। वे तेरे वस्त्र भी उतार कर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा, यहाँ तक कि तू अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी। क्योंकि प्रभु यहोवा तुझसे यों कहता है, देख मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिनसे तू बैर रखती है और जिनसे तेरा मन फिर गया है, और वे तुझसे बैर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो गई और उनकी मूर्तें पूजकर अशुद्ध हो गई है। तू अपनी बहिन की लोक पर चली है, इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यों कहता है, अपनी बहिन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है। तू हंसी और ठट्टा में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटोरे से बहुत कुछ समाता है। तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। तू अपनी बहिन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी। उसमें से तू गार गार कर पिएगी और उसके ठिकरों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मोह मुझसे मोड़ लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। दोनों बहनों को परमेश्वर का दंड। यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उसके घिनौने काम उन्हें जता दे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने बच्चों को जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उन मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाए हैं। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिनों के को अपवित्र किया है। वे अपने बच्चों को अपनी मूर्तों के समान सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति के काम मेरे भवन के भीतर किया है। उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा और वे चले भी आए। उनके लिए तू नहीं था, आंखों में अंजन लगा, गहरे गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रहे, और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। तब उसके साथ निश्चिंत लोगों की भीड़ का कोलाहल सुनाई पड़ा
और उन साधारण लोगों के पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। उन्होंने उन दोनों बहनों के हाथों में चूड़ियां पहनाई और उनके सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे। तब जो व्यभिचार करते करते बुढ़िया हो गई थी उसके विषय में बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे, क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। वैसे ही वे अहोला और अहोलीबा नामक महापापिनी स्त्रियों के पास गए। अतः धर्म लोग व्यभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उसका न्याय करें, क्योंकि वे व्यभिचारिणी हैं और उनके हाथों में खून लगा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेगी और लूटी जाएगी। उस भीड़ के लोग उन पर पथराव करके उन्हें अपनी तलवार से काट डालेंगे। तब वे उनके पुत्र पुत्रियों की बात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे। इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़े और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। फर्स्ट जॉन 2 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान जो है उसमें फर्स्ट जॉन 5:1-21, डैनियल 5:6। तो हम पहले इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे और फिर हिंदी में। पहला यूहन्ना 5:1-21, दानियल की पुस्तक 5:6। हम यही वचनों को इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। और ये 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में आज दिया गया अध्याय है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 John 5:1-21, of keeping God's commandment. First verse पढ़ेंगे, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and every one that loveth him that begot loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three and bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit and the water and the blood, and these three agree in one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which he hath testified of his Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. Be that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in him,
that if we ask anything according to his will, he heareth us. And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. If any man see his brother sin, a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them. Then sin not unto death, that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. All unrighteousness is sin. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Amen. पहला योहन्ना 5 अध्याय 1 से 21 वचन, संसार पर जय पाना। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के विषय गवाही 6 वचन से आगे, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अनंत जीवन 13 वचन से आगे, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तब जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो,
तो विनती करो और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर में उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और यह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार हम उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। डैनियल 5:1 से पढ़ेंगे। बेलशाजर्स इंपायर्स फीस्ट। बेलशाजर द किंग मेड अ ग्रेट फीस्ट। 1 से पढ़ रहे। ग्रेट फीस्ट टू 1,000 ऑफ हिज लॉर्ड्स एंड ड्रैंक वाइन बिफोर द 1,000। बेलशाजर व्हाइलस्ट ही टेस्टेड द वाइन कमांडेड टू ब्रिंग द गोल्डन एंड सिल्वर वेसल्स व्हिच हिज फादर नबूकदनेस्सर हैड टेकन आउट ऑफ द टेंपल which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives and concubines might drink therein. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem. And the king and his princes, his wives and his concubines drank in them. They drank wine and praised the gods of gold and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. Then the king's countenance was changed. His thoughts troubled him, so that the joints of his joints were loosed. And his knees smote one against another. The king cried out to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake and said to the wise son of Babylon, whosoever shall read this writing and show me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet and have a chain of gold about his neck and shall be the third man in the kingdom. Then came in all the king's wise men, but they could not read the writing, nor make known to the king the interpretation thereof. This was King Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him. And his lords were astonished. Now the quiets by reasons of the words of the king and his lords came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, and let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom, know in whom is the spirit of the holy gods, and in the days of thy father light and understanding and wisdom like the wisdom of the gods was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king and easy father, and I say thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans and soothsayers. For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and shewing hard sentences and dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar,
Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Then was Daniel brought in before the king, and the king spake and said unto Daniel, Say, art thou that Daniel which art of the children of the captivity of Judah? When the king my father brought out of Jewry, I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. And now the wise men, the astrologers, and have been brought in before me, that they should read this writing and make known unto me the interpretation thereof, but they could not show the interpretation of the thing. And I have learned of thee that thou canst make interpretations and dissolve doubts. Now if thou canst read the reading and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself, and give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty, and glory, and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him, whom he would he slave, and whom he would he keep, he kept alive, and whom he would he set up, and whom he would he put down. But when his heart was lifted up and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointeth over it whomsoever he will. And then his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, thou dost knowest all things. दोबारा आप देखेंगे. एंड दाउ हिज सन ओ बेलशाजर हैस्ट नॉट हम्बल्ड दिस हार्ट दो दाउ न्यूएस्ट ऑल दिस बट हैस्ट लिफ्टेड अप दाई सेल्फ अगेंस्ट द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड दे हैव ब्रॉट द वेसल्स ऑफ हिज हाउस बिफोर दी एंड दाउ एंड दाई लॉर्ड्स दाई वाइफ्स एंड दाई कॉन्क्यूबाइंस हैव ड्रिंक वाइन इन दैम एंड दाउ हैस्ट प्रेज्ड द गॉड्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ऑफ ब्रास आयरन वुड एंड स्टोन which see not, nor hear, nor know, and the God in whose hand thy breath is, whose are all thy ways, hast thou not glorified? Then was the part of the hand sent from God, from him, and this writing was written, and this is the writing that was written, Mene Mene Tekel Upahar Sin. This is interpretation of the thing, Mene, God hath numbered thy kingdom, and finished it. Tekel, thou art weighed in the balances and art found wanting. Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet and put a chain of gold about his neck and made a proclamation concerning him. And he should be the third ruler in the kingdom. In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. And Darius and Median
took the kingdom, being about 62 years old. Chapter 6. Daniel is cast into the den of lions. First verse se padhenge. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Then these presidents and princes assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live forever. All the presidents of the kingdom and the governors, the princes, the counselors, and the captains have consulted together to establish a royal estate and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days save of thee, O king, or he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree now and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. टेंथ वर्स से आगे पढ़ेंगे. नाउ व्हेन डैनियल न्यू दैट द राइटिंग वाज साइंड, ही वेंट इनटू हिज हाउस एंड हिज विंडोज बीइंग ओपन इन हिज चेंबर टुवर्ड जेरूसलेम, ही नील्ड अपॉन हिज नील्स 3 times अ डे एंड प्रेड एंड गेव थैंक्स बिफोर हिज गॉड एज ही डिड अफोर टाइम. देन दिस मैन असेंबल्ड एंड फाउंड डैनियल प्रेइंग एंड मेकिंग सप्लिकेशन बिफोर हिज गॉड. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall speak a petition of any god or man within 30 days save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was sore displeased with him, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Then this man assembled unto the king and said unto the king, know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may be changed. Then the king commanded that, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, that thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet and with the signet of his lords, that the purposes might not be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting, neither were instruments or music brought before him, and his sleep went from him. And the king arose very early in the morning and went in haste into the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice
unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto him, King, O king, live forever. My God hath sent his angel and hath shut the lions' mouths, and they have not hurt me, for as much as before him in innocency was found in me. And also before thee, O king, have I done no hurt? Then a king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, as thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. O God hath sent his angel and has shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, I have done no hurt. Then was the king exceedingly glad for him until, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no matter of hurt was found upon him, because he believed in his God. And the king commanded, and they brought those men which had aroused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. And the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom, that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the lie, and he deceiveth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who had delivered Daniel from the power of the lions. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Daniel ki pustak 5 adhyay deewar par likha gaya lekh. Pehle vachan se padhenge. Belshazzar namak raja ne apne 1000 pradhanon ke liye bada bhoj kiya aur उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कोई उंगलियां निकाल कर दीवट के सामने राज मंदिर को की दीवार के चुने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह मन ही मन घबरा गया,
और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बरताने वाले की हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उस पर अर्थ मुझे समझाए उसी बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में भी सोने के कंठमाला पहनाई जाएगी। और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसके उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशज़र राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर। चौथे वचन से हम और एक बार पढ़ेंगे इससे आगे। वे दाख मधु पी पीकर चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा के उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलतशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर। रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरी के ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताना और पहेलियों खोलना और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। लेख का अर्थ बताया जाना। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंबी लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझ सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है, मैं दानियल भेद खोल सकता परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा।
डनियल ने राजा से कहा, अपने दास अपने ही पास रख, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तो देना चाहता है वह उस दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर के राज्य बढ़ाई प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता वह उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहते चाहता उसी वह उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसकी वह चाहता उसी उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई, हर मनुष्य में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया, और वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था। जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकार ठहराता है। तो भी हे बेलतशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उस उनमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखने न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और ऊपर सिन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलतशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलतशस्सर मार डाला गया, और दारा मादे जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दानियल सिंहों की मांद में, पहले वचन से 6 अध्याय। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल ने उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने
और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदला न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मांदियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पांव फोड़ते ही राजा उठा और सिंहों के गढ़ों की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गढ़े में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गढ़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल के चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गढ़े में डाल दिए जाए और वे गढ़े की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे
क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला। इस प्रकार दानियल द्वारा दारा और कुसरो फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन।